thank you छोड़ दें इसको छोड़ दें इसको छोड़ दें आप चले आगे, आगे। चले। आप चल रहे ना आप चले बिसमीम अल्लाम कैसे हैं आप, जी आप सब जी आए नो खुश जुमा मुबारक आप सबको मेरी तरफ़ से तो जी रोज़मर्रा की रूटीन के जो होते हैं काम वो तो होते ही रहते हैं आज जुमा था और इतफाक़ से मेरी हेल्पर आई नहीं मैं बच्चों के कपड़े सेट करके रख रही थी क्योंकि आपको पता है कि जुम्मे वाले दिन छुट्टी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है तकरीबन बारह बजे हो जाती है और बच्चे आ जाते हैं तो मैंने कहा सफ़ा मुंतशा का ड्रेस निकाल के कपड़े रख दूँ मैचिंग करके जो भी देना है उनको साथ हमजा के और अरसलान के प्रेस करके मैंने लटका दिए थे और इन दोनों के मैंने सेट करके रख दिए थे फ़ातिमा ने तो आपको बताया वो तो हर वक्त ही उसका यही लगा रहता है से कपड़े चेंज करो डायपर चेंज करो और बस इस तरह ही जी तो मैंने ये इस तरह की इनकी शर्ट्स हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं अम्मी लाई थी अमेरिका से और ये इसके साथ सॉरी अमेरिका से नहीं लाई थी कनाडा से लाई थी अच्छा जी साथ मैंने मैचिंग वैचिंग सब करके रख दिया था क्योंकि आपको पता है बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा चूजी हो गए अच्छा मेरे साथ पुलाव बना रही हूँ और टाइम मेरे पास इतना शॉर्ट है ना ये मसाले मैंने इस तरह ही लिए हैं जिसमें साबुत धनिया है लहसुन है अदरक है ज़ीरा है ये चीज़ें डालकर थोड़ी सी सौंफ है ये मैंने ग्राइंड कर लिया था उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के क्योंकि वो ग्राइंड इतना स्मूथ हो नहीं रहा था प्याज नरम गरम करके मैंने अदरक लहसन तो उसमें मैंने ग्राइंड कर लिया है तो ये मैंने चिकन डाल के ना उसको खूब अच्छे से ना भून लूँगी मैं वाइट पुलाव बना रही हूँ तो इसलिए मैंने प्याज को ज़्यादा पिंक नहीं किया या ब्राउन नहीं किया यहाँ पर मैंने इसको बहुत ज़्यादा भूना है बहुत ज़्यादा भूनने के बाद यहाँ पे मैंने जी वो ही मसाला जो मैंने आपको दिखाया था मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया उससे भूनती रही साथ मैंने तकरीबन एक कप के करीब दही था वो डाल दिया जब दे मैंने देखा कि मसाला अब रेडी हो गया भुन गया है मसाले ने तेल छोड़ दिया है तो मैंने क्या किया इसमें मिर्चें डाल दी सबस आ, आपको अगर सुरख मिर्चें या इस तरह के और मसाले डाल दें मैंने इसमें सुरख मिर्च जरा सी डाली थी इसके अलावा और मैंने धनिया पाउडर डाला था और नमक डाला था बस और कुछ भी नहीं डाला और जी मैंने पानी डाल के इसको बॉयल करना शुरू कर दिया जितनी देर में मैंने कहा चलो मैं वैक्यूम कर लेती हूँ जल्दी से क्योंकि हेल्पर मेरी नहीं आई थी और ना मेरे लिए एक घंटे के अंदर ये सारे काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था और मैंने तो आज बिल्कुल काम ऐसे किए ना जिस तरह हेल्पर करती है वैसे ही खैर मेरी हेल्पर तो बहुत अच्छी है मैं वैसे एक बात कर रही हूँ उमून जो काम वाली औरतें आती हैं वो आगे आगे से सामने सामने से करती हैं खैर मेरी हेल्पर तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है और मेरी हर बात सुनती मानती है और बहुत हेल्प करती है माशाल्लाह से मैं वैसे जर्नल बात कर रही हूँ कि मैंने बिल्कुल काम वालियों की तरह आज काम किया सामने सामने से क्योंकि एक घंटे के अंदर मुझे पुलाव तैयार करना था घर की सारी सेटिंग करनी थी किचन साफ़ करना था उसके अलावा मैंने नमाज भी पढ़नी थी देखें ड्राइंग रूम में मैंने चीज़ सेट कर दी हैं मैंने शीट नीचे डाल दी है कि बच्चे कुरान पढ़ेंगे तो चलो पहले की डली भी होगी अच्छा सामने, सामने सामने से मैं झाड़ू लगा रही हूँ वहाँ से मैंने वैक्यूम कर दिया था यहाँ पर देखे मैट भी रखा हुआ है सब रखा हुआ है क्योंकि गंदा इतना होता ही नहीं मैं बच्चों को इतना वो हम लोग ना आ, ये चीज़ नहीं करते कि बच्चे मतलब काम वाली आएगी सफ़ाई करेगी तो हम गन बनाते रहें नहीं हमारा ट्वेंटी फोर आवर कचरा जो है जो भी कचरा बच्चे करते हैं गारबेज करते हैं वो डस्टबिन में जाता है फिर भी आपको पता है फाँक में छोटी है जरे वगैरह गिरी जाते हैं लेकिन आप देख सकते हैं मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो कोई भी इतना ख़ास कचरा नहीं निकला थोड़ा बहुत गैर मामूली सा कचरा निकला इतना तो बनता ही है ना क्योंकि आवर में इतना कचरा तो हो गई ना वैसे जो बच्चे कचरा करते हैं जो भी जरे फेंकते हैं खाने के या ऐसे मैंने भी एक कॉर्नर में ही चादर डाली हुई है उसी पर ही मैं बच्चों को कहती हूँ खाण डालें ताकि वहीं से उठ जाए और चादर के ऊपर ही जरे गिरें ताकि फिर इस तरह बेअदबी होती है अगर कारपेट पर ही इस तरह झाड़ू से उनको उठाएं ऐसे ना तो मैंने कहा इस तरह बेअदबी होती है तो जी यहाँ से मैंने झाड़ू वाड़ू कर लिया था और मैंने ना पुलाव वो कर दिया था दम पर उसको कर दिया था साथ ही मैंने कहा चलो जी मैं सैलड बना लेती हूँ सैलड में प्याज़ मैंने डाली आजकल अरसलान को पसंद नहीं है तो कैबिज थी मेरे पास वो डाल दी चिया सीड था इसके अलावा मैंने इसमें आ, कैरेट डाल दी और बस यही मायनिज़ वगैरह साथ ग्रीन चटनी मैंने बना दी थी अच्छा सैलड में मैंने नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और बस उसको ना थोड़ा सा एक दो चम्मच दूध डाल के उसको मिक्स कर दिया था मैंने क्योंकि तो ये मेरी सैलड रेडी हो गई है मैस बना हुआ था तो मैंने कहा साथ साथ इसको क्लीन अप भी करते चले तो ये साथ साथ हम करते रहते हैं तो इस तरह बहुत ज़्यादा सफ़ाई हो जाती है मेरी अम्मी जो सास है ना वो हमेशा यही कहती हैं और मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है बच्चों के साथ लेकिन वो सही कहती हैं अच्छा जी ये जो होते हैं ना जिप लॉक्स ये मैं यूज़ करने के बाद हमेशा धो के फ्रिज में ही रखती हूँ और ये भी एक टिप है अगर आप लोग उसको बाहर रखते हैं तो बाहर स्मेल आ जाती है चाहे आप जितना भी खुश कर लें जो माँ था सब चीज़ों से फारि होकर मैंने कहा चलो मैं भी नमाज़ पढ़ ही लूँ हम भी कोई तैयारी कर ही लें तो ये मैंने अपना ड्रेस निकाला था मैंने कहा आपको दिखा दूँ शलवार कमीज ये जिस तरह होता है ये शॉर्ट शर्ट थी सात ट्राउज़र था खुले वाला जो प्लाजो नहीं था लेकिन खुला ट्राउज़र था नमाज़ शमाज़ पढ़ के यहाँ पर मेरा पुलाव तैयार था बस बच्चों को मैंने सर्व किया इनको दिया खाया पिया सब ने हम सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं तो खाने में हमेशा फ़ातिमा हमें बहुत तंग कर दिया है कोई और बच्चा करता ही नहीं करता देखे सब बैठे हुए सफ़ा डाल रही है और सफ़ा को यही था ममा मेरी वीडियो बनाए मैं डाल रही हूँ खाना <laughs> मैंने कहा हाँ आप डालो मैं आपकी बना रही हूँ वीडियो फातमा मैडम बैठी है अभी देखना फ़ातिमा क्या कर रही होगी कभी डिश पे हाथ मार रही होगी कभी सैलड उठा के खा रही है अंदर से ही अपनी प्लेट सामने रखी हुई है उसमें नहीं खाना आप फातिमा ने फ़ातिमा ने डिश और ट्रे में हाथ मारना है अच्छा जी उसके बाद मैंने लेमन ग्रास बनाया था लेमन ग्रास हमेशा ग्रीन वाला अच्छा लगता है उसके बाद हमारी सानी जो बच्चों को पढ़ाती हैं वो आ गई थी बच्चों ने उनसे सपारा कुरान पढ़ा हम ने माशा एक बार कुरान कम्प्लीट कर लिया अब दोबारा मेरे ख्याल में ये कोई आठवें से सतारे में है अच्छा जी रेमेडी मैंने बनाई थी इन कल के व्लॉग में हो सकता है शेयर करूँ आप कनेक्ट रहेगा रेमेडी मैंने बनाई थी बालों के लिए और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है जो कि अंडे के छिलकों और प्याज से बनाई जाती है हो सकता है वायरल वीडियो है आप लोगों ने देखी भी हो लेकिन मैं इसको आप बताऊंगी कि वाकई में कितनी इफेक्टिव है शाम का वक्त था दिन में हरसलान यहाँ लेटे थे कमरे में तो कंबल रखा हुआ था मैं कब प बंद करने आई थी मैंने कहा चलो मैं पर्दे बंद कर दूँ तो यहाँ आई हूँ तो गे रखा हुआ था जैसे मगरब का टाइम था मैंने कहा चलो नमाज़ का टाइम है नमाज पढ़ लेते हैं तो इधर आई हूँ तो मैंने कहा चलो अब ये कमरा भी ठीक कर लूँ क्योंकि हाथ के हाथ बंदा करता रहे तो इस तरह मैस नहीं बनता चीज़ें ख़राब नहीं होती मैं अब किचन का भी यही करती हूँ थोड़े थोड़े बर्तन होते साथ साथ धुलते रहते हैं फर्श को क्लीन रखने के लिए मैं किचन में वही टॉवल जो मैंने टेप में शेयर किया था टॉवल नीचे पुराना वाला डाल देती हूँ या कोई भी मैट तो इस तरह ये होता है पूरा किचन आपका गंदा नहीं होता रोज धोने की और इस तरह करने की जरूरत नहीं पड़ती कभी पोछा लग जाए तो लग जाए अदरवाइज मेरा किचन तो गंदा ही नहीं होता बिल्कुल भी अच्छा जी पर्दे बंद कर दूँ अच्छा आप देख रहे होंगे शाम का वक्त है क्योंकि रोशनी नहीं है बाहर तो पर्दे में बंद करने आई थी मैंने कहा चलो यहाँ सारे कमरों के जितने भी है ना पर्दे ऊपर नीचे बंद करूँगी क्योंकि फिर ना रात हो जाती है तो बाहर से सा सारा विजन होता है ना इसलिए पर्दे हम दिन में खोल देते हैं सिर्फ जाली वाले आगे रहते हैं और जो दूसरे पर्दे रात को लाजमी बंद करते हैं आज अजी मैं तो ड्राइंग रूम में भी आई हूँ ड्राइंग रूम में भी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सोफे हैं वो हमने कवर करके रखे हुए हैं क्यों कर कवर करके रखे हुए हैं एक तो कंस्ट्रक्शन की वजह से धूल मट्टी से सेव हो जाते हैं और दूसरी बात यह कि बच्चे छोटे हैं जितना भी हम समझा लें हालांकि बच्चे कुछ भी है ज़मीन पर ही बैठते हैं लेकिन कभी मस्तियों में सोफों पे चढ़ के कूदना भी शुरू कर देते हैं तो जितना भी बच्चों को समझाएं ना बच्चे हैं और कुछ ना कुछ तो करेंगे ही <laughs> तो इसलिए ना हम क्या करते हैं कि कवर डाल के रखते हैं और बच्चे कुरान के लिए सिर्फ नीचे बैठते हैं तो जी उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर कर देगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा जल्दी लौट कर आऊँगी अच्छी वीडियो व्लॉग और रेसिपी के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़